अचानक से पत्थरबाजी नहीं हो सकती है। तो मैं अब उस धर्म सज्जन नहीं, राजमिश्रा जी के पास में नहीं गई हूँ। राजमिश्रा जी, ये जो बात वो कह रहे हैं, उन्होंने उल्टा एक धर्म संसद पर भी सवाल पूछा। देखिए, कट्टर जो सोच है वो किसी भी धर्म में, और आप लोग तो ये खुद कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की सोच ही नहीं है इस तरह की। जब इस प्रकार आप प्रश्न करते हैं ना, तो ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में शुरू कहां से किया जाए। लेकिन मैं एक एक लाइन वाइज बताता हूं कि कहां से ये दिख रही है और क्या कमी है, शायद ये आप लोग समझ पाएंगे। आप सोचिए, किसी श्री रामचरितमानस से किसी धार्मिक पुस्तक को आपने पढ़ा होगा सनातन धर्म के, कहीं लिखा है किसी अन्य धर्म के तरफ किसी प्रहार की बात की गई है? यहाँ सारे मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, अगर एक सनातन धर्म के ग्रंथ को उठाकर दिखा दीजिए, फाजिल साहब, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, उठा के दिखा दीजिए जहाँ इस प्रकार की चर्चा की गई हो। है कहीं? नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है, है? ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, चलिए पहुंच जाते हैं मंदिर पर। एक मंदिर से आज तक, एक मंदिर की बात कर रहा हूं, सिंगल मंदिर की, जहां से किसी पर पत्थर बरसाए गए हों, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए हों, जहां पर बम बनाने की बात की गई हो, जहां देश विरोधियों को रखा गया हो, एक मंदिर की बात कर रहा हूं। अब तीसरी बात आ जाता हूं, ठीक है। तीसरी, आप लोग सभी लोग विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, विद्यालय में हमारे यहां एक प्रार्थना गाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। यानी हम दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं, राइट? एक प्रार्थना साहब मदरसे की ऐसी बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि हम दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को बना जाएं। अब तीसरी बात पर भी आ रहा हूं, पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, एक सारे सवाल बहुत नेता की बात कर रहा हूं। देश पुलिस हर 10 मिनट के लिए हटा दो, भाई साहब पुलिस हटा दो, फिर देखो क्या होता है। जवानों बाहर निकल जाओ, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं भाई आप? किधर कट्टरता? नेताओं की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आज इसीलिए मैंने इस डिबेट में किसी नेता को नहीं रखा, अगर आप इसीलिए नहीं रखा है, आप लाइए नहीं रखा है, क्योंकि नेताओं के कई बार बयान भड़काने वाले। बोलिए, क्या आपने जिन लोगों ने मस्जिदों से पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, कौन सा मौलाना जो फतवा हाथ में लिए आप लोग घूमते हो, एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो थूक करके रोटी बनाई जाए, एक मौलाना ने फतवा जारी किया हो, देश में शांति हो? ठीक है, अब मैं इसी पर जा रही हूं। फाजिल साहब, उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा मौलाना जिसने फतवा जारी किया हो, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि कोई थूक रहा है, कोई ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे हिंदुओं का जो त्योहार है वो एक तरह से खराब होता है, कोई नहीं फतवा जारी करता, पत्थरबाजों के खिलाफ किसी ने फतवा जारी नहीं किया? मैंने अभी यही सवाल पूछा था। चेता जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, दो तीन चार बातें आ गई। हाँ बोलिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, ठीक है। उस शोभा यात्रा की खासियत क्या है कि वो लोग संविधान की कॉपी बांटते हैं, ठीक है। उस पर भी पत्थर चलता है, वो कौन चलाता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ दे रहा है? वो तो किसी हिंदू मुसलमान नहीं है, ठीक है। उनकी मूर्ति कौन तोड़ा है? 84 के सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने कर दिया? मणिपुर में अभी जल रहा है, किस धर्म के लोग मार रहे हैं? ये सर्वे जो कहते हैं कि शांति की बात कर रहे हैं, और ये कहे कि रामायण में शंभुक ऋषि का वध क्यों भगवान राम ने कर दिया, जरा बता दीजिए उसको क्या कारण था। और एक चीज और, अभी बात कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कंप्लीट। हाँ बोलिए, आप बोलिए। दूसरी बात कि इनको नफरत ईसाइयों से, इनको नफरत सिखों से, इनको नफरत मुसलमानों से, इनको आदिवासियों से, इनको नफरत दलितों से, आखिर ये क्या चाहते हैं? अच्छा देखिए फाजिल साहब, फाजिल साहब, मुझे पता है बहुत कुछ बोलने के लिए आप लोग सब बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत सोच आप लोगों की है, आप लोग विद्वान लोग हैं, लेकिन फाजिल साहब जो सवाल पहला तो मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरी चीज ये है, नहीं नहीं मैंने इसलिए कहा कि ये फतवे जो हैं वो इन चीजों के लिए जारी क्यों नहीं होते हैं, जब नफरती सोच के लिए फतवे क्यों नहीं है कि भाई ये पत्थरबाजी नहीं चलेगी। दूसरी चीज आज कोशिश ये है कि हम लोग अपनी अपनी बात करें, ना कि दूसरे पर आरोप लगाएं, कोशिश ये भी है। चलिए देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि आखिर इस पर फतवा क्यों नहीं, क्यों नहीं? देखिए, जब आतंकवाद घटनाएं हुई देश में, ठीक है, तो रामलीला के मैदान में बाकायदा फतवा जारी किया गया, वो रिकॉर्ड मौजूद है 2007 में, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से लव जिहाद,
लैंड जिहाद, फिर अब यूरिन जिहाद, फिर रेल जिहाद भी अभी कह दिया गया था। तो साहब रेल को मतलब रेल इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे, रेल जिहाद यानी हर चीज को जिहाद ये करार दे रहे हैं, और झूठ प्रोपगंडा उसके खिलाफ कैसे फतवा जारी हो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक और डिबेट पॉइंट है। जो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो मुजरिमाना हरकत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं साजिश है। हाँ। सवाल ये है कि हुकूमत आपकी, हाँ, तो आप उस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं करते हो, क्यों असली लोगों को नहीं पकड़ते हो? ठीक है, एक मिनट देखिए मुमताज साहब, मैं फिर ये कह रही हूँ, आज की डिबेट में मैंने महाभारत में किसी सियासतदान को नहीं रखा है, तो सियासत वाले सवाल एक तरफ रखते हैं, आज हम एक आम भारतीय की तरह बात कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये नफरत बढ़ती जा रही है सर, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है देश के लिए। आप लोग हम लोग तो सब चले जाएंगे, अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे, वो इस देश में रहने वाले, अब आप सोच लीजिए उनके लिए क्या तस्वीर होगी। यूपी की पुलिस, अयोध्या की पुलिस को मैं सलूट करता हूँ, ठीक है। अभी 4 दिन पहले कश्मीरी मोहल्ला वहां पे अयोध्या में, वहां 4 मस्जिदों में 8 बाइकर्स बाकायदा टोपी लगा करके और वहां पे जाते हैं, पोस्टर जो कि बहुत ही नफरती पोस्टर थे, और वहां धार्मिक किताबों पाड़ी, बाद में गिरफ्तार किए गए। ये अयोध्या की बात है, और वहां पे केपी सिंह, अच्छा एक मिनट, पुलिस अधिकारी, अच्छा अब मैं वापस आ रही हूं, ठीक है। मुमताज जी बहुत समय ले रहे हैं आप, इतने मेहमान हैं, आ गए लोग हिंदू थे, ठीक है मुमताज जी ने बोला, एक मिनट, अच्छा बोल दिया, अच्छा एक सेकंड, वो कह रहे हैं, अच्छा मैं पूछ लूँ मुमताज जी, एक मिनट मुमताज जी, उन्होंने कहा कि ये झूठी बात है, नहीं नहीं बिल्कुल, वो कह रहे हैं झूठी बात है, जब तक आप दिखाइए, ठीक है आप दिखाइए, तब तक मैं जरा वापस जा रही हूँ। एक बार जरा मैं ये पूछ रही हूँ आचार्य जी, इन्होंने कहा कि आजकल जो नफरत फैलाई जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब यूरिन जिहाद, न जाने क्या क्या आ गया, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये तरीके हैं कि आप मुसलमानों को अलग कर दो और उनको काट के अलग, कोई अलग नहीं करना, हम अलग करना चाह रहे ना, हम अलग कर सकते हैं, है। जो हो रहा है वो सामने आ रहा है, मुझे बताइए, एक एक करके बोलेंगे, सब कुछ टीवी के सामने है, मुझे बताइए, आज अभी जो दिन दो पेशाब वाली घटना जो 2 दिन पहले घटी, सामने 1 लीटर पेशाब पकड़ा गया, मैं यूरिन नहीं बोल रहा हूँ, पेशाब बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्योंकि यही शब्द है कि जो मन में घृणा उत्पन्न कर रहा है, यूरिन आते ही तो टेस्ट आया था दिमाग के अंदर, मुझे बताइए वास्तविक तौर पर। उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि कहीं पत्थर नहीं चलता, इतना बड़ा एलिगेशन, अरे बोल लेने दो ना, सुनो, इतने बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि यही लोग पत्थर रख के आते हैं मस्जिद के ऊपर, यही लोग पत्थर लग के आते हैं, अरे भाई हम में से कोई मस्जिद में घुस नहीं सकता, आप यूं कह रहे हो हम रख के आए, एक आपके पास सीसीटीवी है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, उसके बाद भी आपने इस्लाम खतरे में नहीं आया, उसके बाद इस्लाम खतरे में नहीं आया, पूरी कंप्लीट कर लेना प्लीज, मैं बार-बार कह रही हूं, मैं आपको एक समझाऊं, जहांगीरपुरी में क्या हुआ था कि मस्जिद के आगे से वो हनुमान यात्रा निकल रही थी, पत्थर बरसा दिए, ठीक है, यहाँ समस्या क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पाकिस्तान बन चुका है, और उस पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के आगे कोई हिंदू निकल जाए, बर्दाश्त हो रहा है, यही समस्या है, मस्जिद के आगे निकलो तो मुंह पे उंगली रख लो, बताइए ये वाली सोच जो है, एक मिनट में बिलाल जी।